वैसे अकेलेपन पे तो बहुत फिल्म है और लगभग हर फिल्म में किसी न किसी किरदार के अगल बगल अकेलापन मंडराता ही रहता है। You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. लेकिन इस वीडियो में हम ऐसे तीन फिल्म के बारे में बात करेंगे जहां किरदार सिर्फ अकेला ही नहीं होता है, वो इस अकेलेपन में फंसा महसूस करता है, उसे ये चीज़ अंदर से खा रही होती है। हम एज ए सोशल क्रिएचर इवॉल्व हुए हैं और एक लंबे समय तक कोई सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप जिंदगी में ना होना हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करती है। इस वीडियो में हम इसी अफेक्ट को देखेंगे, अकेलेपन में इंसान के डेस्परेट और रेडिकल एक्सपीरियंसेस को विटनेस करेंगे, उसमें फंसे व्यक्ति के स्थिति से खुद को रिलेट करेंगे। तो तीन फिल्म जिसे हम अकेलेपन की दृष्टि से देखेंगे, या यूं बोलो तीन मूवी सजेशंस उन लोगों के लिए जिन्हें अकेलेपन के कॉन्टेक्स्ट में फिल्म देखना पसंद हो। तो पहली फिल्म है कास्टवे। 1995 का टाइम, चक नॉलैंड जिसे टॉम हैंक्स ने प्ले किया है, एक एग्जीक्यूटिव फेडेक्स एनालिस्ट होता है जिसे जगह जगह जाना होता है दुनिया भर में फेडेक्स के गोदाम के प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने। वो खुद भी काफ़ी वर्कहोलिक और टाइम सेंसिटिव रहता है। उसकी फियांसे भी होती है। वो किसी तरह से अपने पर्सनल लाइफ को अपने वर्क लाइफ के साथ बैलेंस करके चलता है। और ये किसी तरह किसी काम के लिए जाते हुए उसकी प्लेन क्रैश कर जाती है समुद्र में और वो खुद को एक आइलैंड पे जाके बचाता है। उस प्लेन क्रैश में सिर्फ वही सर्वाइवर होता है, बस वो अकेला होता है उस आइलैंड पे। पहले तो सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल होगा, जिस सुख सुविधा और तकनीक के हम आदी हैं उसके ना होने पर ज़िंदगी बिताना कठिन ही नहीं नामुमकिन सा लगता है। लेकिन चक किसी तरह से वहाँ सर्वाइव करता है। वो खुद को कंपेनियन देने के लिए एक फुटबॉल पे चेहरा बना के उसे विल्सन का नाम दे के उससे ही बात करता है, उसके उपस्थिति को स्वीकारता है, उससे लड़ता है, गुस्सा होता है। Regardless, I would rather take my chance out there on the ocean than to stay here and die on this shithole island, spending the rest of my life talking to a goddamn Bible. चक वहाँ उस आइलैंड पे 4 साल फंसा होता है अकेले और इन 4 साल में वो सुसाइड करने की भी कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एक उम्मीद होती है, एक मकसद होता है, एक वजह होती है वापस जाने के लिए, और ये वजह उसे हिम्मत देती है, उसे जिंदा रखती है इन 4 साल। लोनलीनेस कभी बॉर्डरलाइन एक्सपीरियंस हुआ करता था, एक सर्टेन मार्जिनल सोशल कंडीशन में ही लोग इसे महसूस करते थे, जैसे ओल्ड एज में। लेकिन आज तो लोनलीनेस एक एवरीडे एक्सपीरियंस बन गया। रिच, पुअर, यंग, ओल्ड, मेल, फीमेल, हर कोई एक्सपीरियंस करता है। लोनलीनेस एक रियल एपिडेमिक है और अक्सर हम दूसरे व्यक्ति से ही अपने अकेलेपन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी आप किताब का भी सहारा ले सकते हो, अगर आप अकेले हो तो। आपको पढ़ने की आदत नहीं है तो आप सुन सकते हो कुकू FM ऐप पे। कुकू FM इंडिया की लीडिंग ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है विथ ओवर 1000 आवर्स ऑफ नॉन फिक्शन कॉन्टेंट लाइब्रेरी। बहुत अच्छी अच्छी बुक समरीज और ऑडियो बुक्स हैं, जैसे मैन सर्चिंग फॉर मीनिंग, टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू, विच विल हेल्प यू गेट थ्रू टफ सिचुएशंस इन लाइफ एंड मोटिवेट यू टू डू बेटर। काफ़ी रिच लाइब्रेरी है, यहाँ बायोग्राफी की, सेल्फ हेल्प की काफ़ी अच्छी कलेक्शन है, साइकोलॉजी रिलेटेड भी बहुत किताबें हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हो, वो भी अपने रीजनल लैंग्वेज में। आप बहुत कुछ सीख सकते हो बस सुन के। आप बहुत आसान तरीके से अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो कुकू FM ऑडियो बुक ऐप के थ्रू। और ये काफ़ी बजट में भी है, इसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन आती है मात्र 399 रुपये में। और इस स्टफ़ है व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी है, अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हो स्टफ़ 50 तो पहले 250 यूजर्स को 50% डिस्काउंट भी मिलेगा, मतलब 399 के जगह आपको मात्र पे करनी होंगे 199 रुपये। तो एक बार कुकू FM को ज़रूर चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरी फिल्म है हर। हर मूवी एक पोस्ट डिजिटल वर्ल्ड के सिनेरियो को दिखाता है। थियोडोर जिसे प्ले किया वाकिन फिनिक्स ने, एक बड़े सिटी में रहता है, एक अकेला इंट्रोवर्टेड डिप्रेस्ड मिडिल एज आदमी। उसकी डिवोर्स हो रही होती है और वो इस चीज़ से आगे बढ़ नहीं पाता है। एक दिन वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करता है, विच क्लेम्स टू हैव अ रियल पर्सनैलिटी। हेलो, आई एम हियर। हाय। हाय। ये कंप्यूटर OS जो खुद का नाम रखती है समांथा, बहुत मायने में इंसान जैसे होती है, भले ही वो बस एक आवाज ही हो। Hey, I was curious. Did you and Amy ever go out? Well, are you jealous? Well, obviously. थियोडोर के लाइफ में समांथा धीरे धीरे इम्पोर्टेंट हो जाती है, उससे ही वो हमेशा बात करता है और फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। वो लिटरली एक OS से, एक वर्चुअल पर्सनैलिटी से रिलेशनशिप में होता है।
अक्सर जब हम अकेले पर जाते हैं तो हमेशा संभव नहीं होता है कि तुरंत ही हम दूसरे लोगों को आमंत्रण दे दें अपनी ज़िंदगी में अकेलेपन को मिटाने के लिए। बहुत बार ये अप्रोप्रिएट नहीं होता, बहुत बार ऑप्शन नहीं होता, और कभी कभी हम ऐसे मेंटल स्टेट में नहीं होते कि किसी से हम उस समय डीपली कनेक्ट कर सकें। थियोडोर और समंता में सब चीज़ नॉर्मल चल रहा होता है, कम से कम वो अपने अकेलेपन को तो भूल गया होता है। समंता उसे अपने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से फैसिनेट करती है, उसे इम्प्रेस करती है, उसे हंसाती है, उसे सरप्राइज देती है। लेकिन थियोडोर को इन चीज़ों के साथ चाहिए होता है इंटीमेसी भी। हम सब के जैसे वो भी रोमांस में खोज रहा था पोजीशन। Are you in love with anyone else? हमारे लिए प्यार बाइनरी होता है, या तो तुम मेरी हो या नहीं हो। लेकिन समंता को और भी लोगों से प्यार होता है, और उसके दूसरे लोगों से प्यार होना थियोडोर के लिए उसके प्यार को कम नहीं करता है, उल्टा और भी बढ़ा देता है। Started happening when the more she loves other people, the more she has the capacity to love. Samantha ke liye pyar non-binary hoti hai. Har movie se hame ye pata chalta hai ki kitni important hoti hai real aur genuine relationship kisi insaan ke khushi aur uske personal growth ke liye. We are naturally wired to seek out connections with others. Teesri film hai Taxi Driver. Zyadatar logon ke liye akelapan zyada dino tak rehta nahi hai, it is temporary, lekin kuch logon mein ye kafi dino tak sustain karta hai. और ये चीज़ उनके चाल चलन को ऐसा बना देता है कि बाद में उनका व्यवहार भी कारण हो जाता है उनके अकेले होने का। ट्रेविस जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो एक बहुत अलग और अजीब किस्म का व्यक्ति होता है, वन ऑफ ए काइंड, जो एक शहर में रात को टैक्सी चलाता है, और वो भी इसलिए क्योंकि उसे नींद नहीं आती है और वो लंबे समय वाला कोई काम खोज रहा होता है रात के लिए। ही इज़ वेरी एलिनेटेड, वो लोगों से घिरा रहता है, फिर भी उसका कोई दोस्त नहीं होता है। वो रात को टैक्सी में बहुत लोगों को राइड देता है, लेकिन कभी अच्छे से पीछे मुड़ के किसी से बात नहीं करता है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम चुपचाप देखता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है, चीज़ों को नोटिस करता रहता है। वो लोगों से एक नॉर्मल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर पाता है। वो कोशिश भी करता है एक लड़की को डेट पे ले जाने के लिए, लेकिन वो लेके चल जाता है पॉर्न थिएटर, और ये वो जानबूझ के नहीं करता, उसे जेन्युइनली नहीं पता रहता है कि ये सही आइडिया नहीं है। वो दिमाग से इतना आइसोलेटेड होता है बाकी लोगों से कि उसे सिविलाइज्ड नॉर्म्स भी ठीक से पता नहीं होती। वो अकेला शहर में ऐसे ही मंडराता रहता है, और अक्सर वो शहर के उन रास्तों पे होता है जहाँ प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग्स, क्राइम, इन चीज़ों का स्ट्रीट में सीन रहता है। और इसलिए नहीं कि ट्रेविस को इन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, बल्कि उसे इन चीज़ों से नफरत होती है। वो ऐसे लोगों को ख़त्म कर देना चाहता है, उसके अंदर इन चीज़ों को लेकर प्रेजुडिस होता है, और उसका अकेलापन इस नफरत को और भी बढ़ा देता है, इस हद तक कि ही बिकम्स वायलेंटली अग्रेसिव। अपनी ज़िंदगी में एक सेंस देने के लिए वो खुद को एक यंग लड़की को प्रोस्टिट्यूशन रैकेट से बचाने का मिशन असाइन करता है। You can't live like this. It's a hell. और वो इसके लिए मर्डर भी कर देता है। ऐसे देखो तो उस लड़की को बचा के वो कुछ गलत नहीं करता है, लेकिन खून करके वो खुद भी ऐसे लोगों में शामिल हो जाता है, वो भी लो लाइफ क्रिमिनल ही बन जाता है जिससे उसे नफरत थी। ट्रेविस को रियलाइज़ नहीं होता है कि प्रॉब्लम उसके अंदर है। अगर उसे शहर में सिर्फ ऐसी गलत चीज़ें दिखाई देती है, वो क्योंकि वो सिर्फ उन स्ट्रीट्स में ही बार बार जाता है, वो है जो अकेला है। और जब हम अपने अंदर के कमी को, समस्या को देख नहीं पाते, तो हमारा जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इम्पल्स होता है वो बाहर की ओर जाता है। ऐसे लोगों को पता चल जाए कि उनके मरने का टाइम हो गया है, तो वो खुद को मारने के बजाय बाहर जाके बाकी लोगों को मारेंगे। लेकिन ये एक व्यू पॉइंट है, बहुत लोगों को ट्रेविस सही भी लगेगा, क्योंकि उस छोटी लड़की की ज़िंदगी को बचा के वो सही में बहुत अच्छा काम करता है। इस मूवी में एक से ज़्यादा एथिकल स्टैंड पॉइंट है, और इसीलिए ट्रेविस को एंटी हीरो के लिस्ट में क्लासिक्स में गिना जाता है। तो ये थी तीन फिल्में अकेलेपन पे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई मूवी सजेशन है तो कमेंट करके नीचे बताइए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और हाँ, जाते जाते एक बार कुकू FM ऐप को ज़रूर चेकआउट कीजिए, इट्स एन अमेजिंग ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म।